आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान विभत्स घटना के खिलाफ आजमगढ़ कांग्रेस द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और बुलडोजर की कार्रवाई को बंद करने की आवाज उठी। शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम समीम ने दोनों मृतका को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन चुकी है। ये घटना सरकार द्वारा कराई जा रही हत्या है और अपने सरकार की दहशत जनता के बीच कायम करने के लिए किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र में उठती आवाज को दबाया जाए। लेकिन भाजपा सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि ये गांधी का देश है, यहाँ की जनता अंग्रेजों से बिना संसाधन रहे हुए लड़कर देश को खाली कराए तो इनके बुलडोजर से क्या डरेगी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पीड़ित परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता को जीने का अधिकार छीन रही है। बुलडोजर बाबा को बताना चाहिए कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। ये कैसा रामराज है जहां लोग जिंदा जलाकर मार दिए जा रहे हैं और प्रशासन खड़ा होकर देख रहा है। इस सरकार की मर्यादा मर चुकी है, समय आने पर जनता हिसाब कर देगी। प्रदर्शन में उपस्थित रहे मिर्जा बरकतुल्ला बेग, बेलाल अहमद, प्रदीप यादव, मोहम्मद आमिर, संदीप कपूर, मोहम्मद साहिद खान, रियाजुल हसन, गुलचंद चौहान, मोहसिन फारूक अब्बासी, सोनू प्रजापति, मोहम्मद अफसार, धर्मेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ, जो लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ें बंद कराई जा रही हैं, उसका जीता जागता उदाहरण अभी कानपुर की जो घटना हुई है उसकी हम लोग निंदा करते हुए उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई, जिसमें बिलाल अहमद जी, भाई मूलचंद चौहान जी, भाई शाहिद साहब हैं, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं, ये सारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप बुलडोजर के नाम पर यहाँ पे आवाम को दहशत, आवाम में दहशत पैदा करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसको नकारती है और इस रास्ते को रोकने के लिए मुसलसल आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम कानपुर की घटना की निंदा करते हैं। अपना परिचय दें, क्या आज मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। हम कानपुर में जो विभत्स घटना हुई है, जो प्रशासन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है बुलडोजर कार्रवाई के रूप में, ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं उत्तर प्रदेश शासन से कि ये बुलडोजर तंत्र जो उस पर बुलडोजर के नाम पे जो हिटलर शाही चला रहे हैं प्रदेश में, उसको बंद करें और अगर बंद नहीं हुआ तो जनता उनको जवाब देगी। कानपुर में जो माँ और बेटी जल के मर गई, जो अतिक्रमण हटाने के नाम पे प्रशासन द्वारा जो इतनी विभत्स घटना कराई गई जो है, उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रदेश सरकार द्वारा, और जो उस घटना के दोषी हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दें और इस तरह का बुलडोजर तंत्र, जो बुलडोजर जिहाद बोला जा सकता है, प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ बंद कराई जा रही है, ये बंद होना चाहिए। हम इसकी घोर विरोध करते हैं। अगर ये बंद नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले दिनों में इसके खिलाफ सड़कों पर उतर के जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। सजा दो, सजा दो। कानपुर कांड के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। कानपुर कांड के दोषियों। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।